हमें बुलाओ, हम किन सवधन में समझावे जो द्वार पे आदर पाओ। उनकी धर्म पत्नी कुसुमा देवी ने भारी टहल बजाई, अपने दरबज्जे पे मैया ने धर्म ध्वजा फहराई। नारायण सिंह परीक्षित जी ने तन मन धन दौ लुटाई, उनकी पत्नी कुसुमा देवी ने या भारी टेल बजाई। नीतू यादव पुष्पेंद्र यादव ने सुंदर कथा करवाई, सोनू यादव जी ने यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई। मोहित बेटा ने यहाँ पर भारी तेल बढ़ाई, समय समय पे बेटा ने और पूरी जिम्मेदारी निभाई। सुभाष यादव जी ने यहां पर मेरो भारी मन बढ़ायो, अपने दरबज्जे पे भैया ने तन मन धन सभी लुटायो। भाइयों, आज जो कथा में आज ब्राह्म लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। 7 दिन यही नहीं मालूम पड़े किधर से निकल गए, लेकिन ये बदनसीब 7 दिन से ज्यादा के रुक नहीं पाता है। हम छाया बन कर ही रहते, दीवानी जी मेरी मजबूरी, परोर में मेरी भागवत है बजाना बहुत जरूरी। कसम से जी नहीं चाहता कि मैं जाऊं, आज तो हम चले जाएं, अब चले तो मैया जाएं। सुमारा में बैठ के सोचेंगे जन अब हमें कब भुलाई है। जब से आए सुरेश भैया के दरवाजे पर हम सबई के दिल फूले, उपदेश कसम से कह रहे बिटिया परी की सुन भूले। अरे क्षेत्र के बड़े बूढ़े
नमस्ते। अरे क्षेत्र की बहनाओ करियो स्वीकार नमस्ते। भाइयों बहनाएं मेरी माताएं, हो सकता कि 7 दिन के अंदर मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो मुझे व्यासपीठ पर नहीं कहना चाहिए। माफ कर दे भैया समंड की, अपना बेटा समंड की मुझे माफ कर दियो। बीच बीच में बहनाओ मैंने तुम्हें फटकार लगाई, के बाद मती कहियो जे भैया ना कसाई। मेरे जाने के बाद मती कहियो जू बेटा ना कसाई। अपने साथियों का परिचय दे। चिमटा पे पवन चेतन है, एरवा कटरा को रहने वालों, चिमटा मधुर बजाए रहे आदत को बोलो भालो। चेतन शिशु मेरो मेरे मामा को जायो, कथा भी सुंदर कह रहे और हवन कराने वालों। भनोरपुरा के ढोलक मधुर बजावे, मेरे संग में लहरा कर छाया बन कर लहरावे। संतोष चेतन भाई मेरे छोटे अनुज कहा में, कथा भी सुंदर कह रहे हैं जो आकर मान बड़ा में। हमारी कथा अवतार स्टूडियो गुप्ता साउंड सर्विस जो किसी से जो आओ, प्रोपराइटर मनीष गुप्ता जी जो छाया बन ले आओ।
बेटी भाभी को जियायो, राजा के सर रह करके तो छाया बन लहरायो। अब मैं अपना परिचय क्या दूं, जब ना पहुंचे हम घर में मेरी मैया बाट निहारे, जब झुके मैया के चरण पे मैया सीना से मोए लगावे। संसार पे रहे हैं, जब सच्चा स्नेह होता है तो प्रेमी को दुख तो होता है, लेकिन प्रेमी प्रेमी से कभी अलग नहीं हो पाता है। एक बात क्या आप लोगों के सामने कह रहा हूं, पड़ोसी की नैनी की जाके नया नया व्यवहार कभी ने कल्पना की है, लेकिन मैं उस कवि की कल्पना को झूठ कर रहा हूं।
हमारे चिर